नमस्कार छात्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ। प्रथम पाठ का नाम है अहम वयम त्वम यूयम, अर्थात अहम यानी मैं, वयम यानी हम सब, त्वम यानी तुम और यूयम यानी तुम सब। तो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आपको दे रखे हैं। पहले हम कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। शिक्षका, शिक्षका मीन्स अध्यापक। तो यहाँ पर शिक्षका जो शब्द है इसका अर्थ होगा अध्यापक। छात्रा, छात्रा मीन्स छात्र, छात्रा मीन्स क्या होता है छात्र। युवा, युवा मीन्स युवक अर्थात नागरिक, एक व्यक्ति के लिए आता है युवक। मित्राणि, मित्राणि मीन्स मित्र, और ये नपुंसकलिंग है बहुवचन, तो मित्राणि मीन्स मित्र। अहम, अहम यानी होता है मैं। बेटा मैंने आपको बताया था उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, तो अहम यानी मैं। त्वम, त्वम यानी तुम। मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम अर्थात तुम। मैंने बताया था युवा, युयम द्विवचन है और युयम बहुवचन है। किम, किम यानी क्या। वयम यानी हम सब। तो बच्चा बताएंगे वयम शब्द कौन से पुरुष का है। उत्तम पुरुष का बहुवचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है वयम, और वयम यानी हम सब, बहुत सारों के लिए प्रयोग हुआ है। युयम मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष है, वो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो बेटा युयम यानी होगा तुम सब, युयम का अर्थ होगा तुम सब। असि यानी हो, असि यानी हो। अस्मि, अस्मि यानी हूँ, अस्मि यानी हूँ। करोसी, करोसी यानी करती हो, करोसी मीन्स क्या हो जाएगा करती हो। कीड़ा में खेलता हूँ, कीड़सी खेलती हो। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। इसमें, इसमें यानी है, इसमें यानी क्या हो बेटा है। इस्ता, इस्ता यानी हो। कुंजता, कुंजता यानी चह चाहते हो, कुंजता मीन्स चह चाहते हो। कुंजाम, अब कुंजता शब्द जो है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा बेटा, मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो कुज्जाम, कुज्जाम मीन्स चह चाहते हैं, कुज्जाम मीन्स क्या होगा चह चाहते हैं, अर्थात पक्षियों की जो आवाज़ होती है उसको ही चह चहाना कहते हैं। धावा, धावा मीन्स दौड़ते हैं, धावा मीन्स क्या होगा बेटा दौड़ते हैं। और धावत, धावा शब्द कौन सा है उत्तम पुरुष का बहुवचन है। धावत है उत्तम, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। दौड़ते हो, तिष्ठकर बैठते हो। जैसे इसकी धातु कैसे चलेगी, धावती धावत धावंती, धावसी धावत धावत, धावामी धावत धावा। इसी तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया था अस्ति इस्ता संति, असि इस्ता इस्ता, अस्मि स्व स्म। ठीक है बच्चों, तो याद करेंगे इनको। बच्चों हम पढ़ेंगे आज प्रथम पाठ अहम वयम त्वयम यूयम। अहम यानी मैं, वयम यानी हम सब, त्वम यानी तुम और यूयम यानी तुम सब। मैंने आपको ये बता ही दिया था पहले की वीडियो में, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा इनका अर्थ। अब देखेंगे गरिमा, अहम गरिमा, मैं गरिमा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं गरिमा। त्वम का असी, तुम कौन हो। त्वम यानी तुम, का मीन्स कौन, असी यानी हो, तुम कौन हो। बेटा यहाँ पर देखो त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन ही ली गई है। अनन्या कहती है अहम अनन्या अस्मि, मैं अनन्या हूँ, मैं अनन्या हूँ। अनन्या नाम है लड़की का, तो मैं अनन्या हूँ। देखो बेटा यहाँ पर भी उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, और क्रिया भी हमने क्या ली है अस्मि। आपने पढ़ा था अस्ति इष्ट संति, असि इष्ट इष्ट, अस्मि स्व इस्म। तो अस्मि यहाँ पर अहम के अकॉर्डिंग आया, कर्ता अहम है, तो क्रिया हमने कर्ता उत्तम पुरुष की एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन ही ली है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा मैं अनन्या हूँ। मैं कौन हूँ, मैं अनन्या हूँ। गरिमा कहती है त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो। त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, करोसी यानी कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। तो अनन्या कहती है अहम कीड़ामी, मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही हूँ। किम त्वम अपि क्रीडसि, क्या तुम भी खेल रही हो। अनन्या बोलती है उससे, प्रश्न करती है किम त्वम अभी क्रीडसि, क्या तुम भी खेल रही हो। अपि यानी भी, क्रीडसि यानी खेल रही हो, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या। तो किम यानी क्या, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, क्रीडसि यानी खेल रही हो, क्या तुम भी खेल रही हो। गरिमा कहती है आम हाँ, अहम अपि क्रीडामि, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, क्रीडामि यानी खेल रही हूँ, मैं भी खेल रही हूँ, हाँ मैं भी खेल रही हूँ। शिक्षक, अहम शिक्षक अस्मि,
अगला देखेंगे बेटा, अहम यानी मैं, शिक्षक यानी अध्यापक, अस्मि यानी हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, अहम यानी मैं, शिक्षक यानी अध्यापक, अस्मि यानी हूँ, मैं अध्यापक हूँ, तुम शिक्षक है, शिक्षको शिक्षका, शिक्षक है एक वचन बेटा यहाँ पर, और अहम भी क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो मैं शिक्षक हूँ, अस्मि यानी हूँ, तुम छात्रा असी, तुम यानी तुम, छात्र यानी छात्र, असी यानी हो, तुम छात्र हो, तुम छात्र हो, तुम यानी तुम, छात्रा यानी छात्र, असी यानी हो, तुम छात्र हो, वयम शिक्षक है, इसमें हम सब अध्यापक हैं, वयम यानी हम सब, शिक्षक का मतलब अध्यापक, इसमें यानी है। अब देखो यहाँ पर शिक्षक का शब्द क्या है, बहुवचन है, शिक्षक का शब्द क्या है यहाँ पर, बहुवचन है, तो अहम हम सब, वयम भी उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो बहुत सारों के लिए प्रयोग हुआ है, और अस्ति इष्ट संति असि इष्ट इष्ट अस्मि स्व इस्म, इसमें भी बहुवचन है, तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, हम सब अध्यापक हैं, इसका अर्थ होगा हम सब अध्यापक हैं, वयम यानी हम सब, शिक्षक यानी अध्यापक, इसमें यानी है, हम सब अध्यापक हैं। आगे देखेंगे यूएम छात्रा इष्ट, यूएम यानी, यूएम यानी क्या बेटा, यूएम यानी होता है तुम सब, बहुवचन में आता है, तो यूएम यानी तुम सब, छात्रा यानी छात्र, इष्ट यानी हो, तुम सब छात्र हो, तुम सब छात्र हो, यहाँ यूएम उत्तम मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष है, वो मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो इष्ट भी मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो तुम सब छात्र हो। वयम बालकः स्म, हम सब बालक हैं, हम सब कौन हैं, हम सब बालक हैं। आगे देखेंगे यूएम यू का स्त है, यूएम यानी तुम सब, युवक हो, तुम सब क्या हो, युवक हो। आगे देखेंगे वयम पठाम है, हम सब पढ़ते हैं, हम सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वयम यानी हम सब, पठाम यानी पढ़ रहे, पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, यूएम खेलत है, और तुम सब खेल रहे हो, तुम सब खेल रहे हो, हम सब पढ़ रहे हैं और तुम सब खेल रहे हो, यूएम खेलत है यानी होता है तुम सब, यूएम यानी तुम सब, खेलते यानी खेल रहे हो। यूएम चटका इस्त है, अर्थात यूएम यानी तुम सब, चटका यानी चिड़िया, इस्त यानी हो, तुम सब चिड़िया हो। यूएम कुज्जत है, हम सब चहचहाती हो, तुम सब चहचहाती हो, यूएम यानी तुम सब, कुज्जत यानी चहचहाती हो, तुम सब चहचहाती हो। वयम अपि चटका इस्म, मैं भी चिड़िया हूँ, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, चटका यानी चिड़िया, इस्म यानी हूँ, मैं भी चिड़िया हूँ। वयम अपि कुंजाम, मैं भी, हम सब भी चहचहाते हैं, हम सब भी क्या करते हैं, चहचहाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, बच्चों देखेंगे आगे वयम मित्राणी इस्म, वयम यानी हम सब, मित्राणी यानी मित्र, इसमें यानी है, हम सब मित्र हैं। देखो मित्राणी यहाँ पर नपुंसक लिंग का है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और नपुंसक लिंग है, कौन सा लिंग है इसमें, मित्राणी में नपुंसक लिंग है। इसी तरह से वयम भी उत्तम पुरुष का कौन सा है, बहुवचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो हम सब, वयम यानी बहुत सारे हो गए, तो हम सब, मित्राणी यानी मित्र, इसमें यानी है, हम सब मित्र हैं, तो इस तरह से चलती है, अस्ति इष्ट संति, असि इष्ट इष्ट, अस्मि स्व इस्म। तो बच्चों यहाँ पर देखो वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन ली गई है। आगे देखेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा हम सब मित्र हैं, हम सब क्या हैं, मित्र हैं। वयम धावा में, हम सब दौड़ते हैं, हम सब क्या करते हैं, दौड़ते हैं। वयम यानी हम सब, धावा में दौड़ते हैं। यूयम अपि मित्राणी इस्त, तुम सब भी मित्र हो। यूएम यानी तुम सब, अपि यानी मित्र, तुम सब भी मित्र हो। यूएम न धावत, तुम सब नहीं दौड़ते हो, तुम सब नहीं दौड़ते हो। यूएम तिष्ठत, तुम सब बैठे हो, तुम सब क्या कर रहे हो, बैठे हो। धावत यानी दौड़ते हो।
यू मैं तुम सब नयानी नहीं धावते नहीं दौड़ते हो, तुम सब नहीं दौड़ते हो, यूएम तिष्ठता, यूएम यानी तुम सब तिष्ठते नहीं बैठते हो। और ये धातु कैसे चलती है, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठाओ तिष्ठामि, ने आपको धातु बनाना सिखाया था। इस तरह से धाव धातु बनेगी, धावती धावत धावंती, धावती धावत धावत धावामि धावा धावाम। अब यूएम क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी हमने मध्यम पुरुष की बहुवचन ली है। बच्चों यहाँ पर देखेंगे अधितम यानी सीखेंगे, अहम, अहम के साथ हमने क्या लिखा, अहम बालक है, अस्मि मैं बालक हूँ। इस तरह से तुम काक है, असि तुम कौवे हो। इस तरह से वयम नराह, इसमें हम सब मनुष्य हैं, वयम महिला आम है, हम सब महिलाएं हैं। आगे देखेंगे यूयम गजा स्थ, इसमें था आ रहा है लास्ट में, गजा बहुवचन है इसलिए यूएम, देखो यूएम के साथ गजा बहुवचन आ गया और यहाँ क्रिया भी हम बहुवचन ही लेंगे, तो यूएम मध्यम पुरुष का बहुवचन है इसलिए यहाँ पर क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन ही है। देखो यहाँ पर असी इस्त 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 बहुवचन है ना मध्यम पुरुष का, और यूएम भी मध्यम पुरुष का बहुवचन है इसलिए यहाँ पर क्या होगी, मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। जैसे ऊपर वाले में देखो अहम 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 उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन होगी अस्मि। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, अस्ति इस्त संति असि इस्त इस्त अस्मि स्व इस्म, ये आपको मैं कई बार पहले की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे।